अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पनीर लहसुनी की रेसिपी बताएंगे जो बहुत ही यमी और लाजवाब लगती है खाने में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बहुत ही इजली और कम समय में बना सकती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 इलायची, प्याज बड़े साइज की हमने ली है, हमने इसे भी डाल दिया है। 2 टमाटर हम काट के डाल देंगे, अदरक और लहसुन 10 से 12 काजू लिए हैं, हम इसे भी डाल देंगे। 5 से 6 सूखे लाल मिर्च, हल्दी 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच हमें लेना है और 1 चम्मच नमक। अब हम 1/2 कप पानी डाल देंगे, इसे हम अच्छे से कुक होने देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, और जब ये अच्छे से गल जाएंगे तो हम इसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हम 4 से 5 मिनट कुक करेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये काफी अच्छे से गल भी चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, जिंजर भी डाल देंगे, हम इसे अच्छे से सौते होने देंगे। एक मीडियम साइज की हमने प्याज ली थी, हमने इसे भी चॉप कर लिया है, डाल देंगे इसको भी। 2 से 3 हरी मिर्च हमने इसे कट कर लिया था, ज्यादा छोटे पीस नहीं करने हैं हमें। प्याज को हम सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। प्याज हमारी अब अच्छे से सौते हो चुकी है। हमने यहाँ 20 से 25 गार्लिक लिया था जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, अब हम इसे भी डाल देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी और वीडियो जरूर पसंद आएगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर हमने मसाले ग्राइंड कर दिया है जो हमने कुक किया था, अब हम इसे भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे भी अच्छे से कुक कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक। ये देखिए मसाला हमारा काफी अच्छे से भुन रहा है, नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हैं। यहाँ पर हमने 200 ग्राम पनीर लिया है जिसे हमने क्यूब शेप में कट कर लिया है, अब हम डाल देंगे इसे भी। हम इसे अच्छे से चला लेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। आप इसे पराठा, पूरी या नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 टीस्पून बटर ऐड किया है जिसे काफी हद तक टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है पनीर हमारी, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमने पनीर लहसुनी को गार्निशिंग कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम अलैकुम, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।